पोलैंड पर मिसाइल आखिर किसने गिराई? क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध और बड़ा होने जा रहा है? क्या इस युद्ध में अब नाटो के सदस्य देश भी शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे? क्या अब वर्ल्ड वॉर थ्री विश्व युद्ध थ्री होने जा रहा है? इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र। दोस्तों, हाल ही में 15 तारीख को हुआ ये है कि आप मैप में जैसा कि देख रहे हैं, पोलैंड और यूक्रेन और ये रशिया जो ये बनाया है एरिया, ये रशिया का है, ये यूक्रेन है इतना एरिया, और ये पोलैंड है, और ये बेलारूस है, और ये ब्लैक सी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यूक्रेन और पोलैंड का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के पास में एक मिसाइल गिरी है, और किस क्षेत्र में? पोलैंड में गिरी है, ठीक है। बॉर्डर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पोलैंड में एक जगह का नाम है प्रजेवोडो, ठीक है। प्रजेवोडो यहाँ पर 7-8 किलोमीटर अंदर एक जगह का नाम है प्रजेवोडो, ठीक है। यहाँ पर एक मिसाइल गिरी है, इसमें दो लोग मारे भी गए हैं। तो ये एक जांच का विषय है कि मिसाइल आखिर किसने गिराई है और क्यों गिराई है। तो देखिए, पोलैंड की तरफ से बयान आया है कि मिसाइल जो है रशिया में बनी है, ठीक है। और रशिया ने साफ तौर पर इनकार किया है कि हमने इस क्षेत्र पर हमला ही नहीं किया है, हमारी सेना ने इस क्षेत्र में हमला नहीं किया है। और यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि इस मिसाइल को रशिया ने गिराया है। तो अब देखिए, मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जो है कैपिटल को याद करवाया था, ठीक है। तो उसमें पोलैंड भी था, तो पोलैंड का मैंने ट्रिक बताई थी पोल वॉर, ठीक है। पोल वॉर जैसे ट्रेड वॉर होता है वैसे पोल वॉर मैंने ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। तो पोलैंड कैपिटल वॉर्सा, और यहाँ पे वॉर हो गया। तो ये मिसाइल किसने गिराई है, क्यों गिराई है, ये जांच का विषय है। अगर ये मिसाइल रशिया ने गिराई है, अगर ये मिसाइल रशिया ने गिराई है, तब तो दिक्कत की बात हो सकती है। क्योंकि अगर ये मिसाइल रशिया ने गिराई है तो पोलैंड है नाटो का सदस्य, ठीक है। नाटो का सदस्य है ये, 1999 में बना था, ठीक है। नाटो का सदस्य, नाटो जिसको नहीं पता बता दे रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें इस नाटो का सदस्यता जो देश ले लेता है, अगर मान लीजिए 10 देश या 20 देश लिए, प्रेजेंट टाइम पर 30 कंट्री है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर 30 कंट्री इसके सदस्य हैं नाटो के। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर अपनी आर्मी को भेज सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, और एक दूसरे की मदद के लिए भी भेज सकते हैं। नाटो का सदस्य अगर कोई बन गया है तो, ठीक है। इसमें ये होता है, ये एक सैन्य संगठन है, ठीक है। ये कब इसकी संगठन, ये कब स्थापना इसकी हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को इसका इसकी क्या होती स्थापना हुई थी। और इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बता, शॉर्ट में बता रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम। और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका सदस्य है पोलैंड। और इस नाटो के आर्टिकल 4 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर नाटो के किसी सदस्य पर, किसी भी एक सदस्य पर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है, बाहर से हमला होता है, तो आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी नाटो के सदस्य की, ठीक है। और जो बाली में जो चल रहा था G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था, वहां पे कई सारे देश मौजूद थे, वहां की PM भी अपने मौजूद थे वहां पे। तो वहां पर बाइडेन ने G7 की बैठक, तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई वहां पे। तो बैठक की, उसमें चर्चा की है कि आखिर किसने किया है, तो उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ठीक है। और नाटो के आर्टिकल 5 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि नाटो के किसी एक सदस्य पर अगर हमला होता है तो नाटो के सारे सदस्य पर हमला माना जाएगा,
ये जो है ये नया मोड़ पैदा कर देता है इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। अगर रशिया ने डायरेक्ट जानबूझकर मिसाइल पोलैंड पर गिराई है तो यहां पर बवाल होने वाला है भाई, ठीक है। तो यहां पर नाटो के सदस्य जो हैं वो सारे खुलकर यूक्रेन के सामने आ जाएंगे, ठीक है, यूक्रेन का साथ देंगे, क्योंकि जब से वॉर हो रहा है इनका रशिया का यूक्रेन का, पोलैंड जो है खाद्य सामग्री हथियार वगैरह यूक्रेन को दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है रशिया इस पर गिराया हो, हालांकि ऐसी गलती करेगा ही रशिया ये जानते हुए कि ये नाटो का सदस्य है, करेगा नहीं, लेकिन अगर कहीं जांच में पाया जाता है कि रशिया ने पोलैंड पर जानबूझकर मिसाइल गिराई है तब तो नाटो के सदस्य खुलकर यूक्रेन के साथ हो जाएंगे और फिर होगा जो होना है, वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हो। लेकिन हो सकता है ये मिसाइल यूक्रेन ने गिराई हो जानबूझकर पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड है नाटो का सदस्य और यूक्रेन ने हो सकता है गिराई हो, इसलिए कि अगर हम पोलैंड पर मिसाइल गिराएंगे तो सारे नाटो सदस्य इनके साथ हो जाएंगे, खुलकर सामने आएंगे, है तो साथ में ठीक है लेकिन खुलकर तब सामने आ जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, रशिया ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है यूक्रेन में। तो हो सकता है यूक्रेन चांस है, हो सकता है यूक्रेन ने पोलैंड पर जानबूझकर मिसाइल गिराई हो नाटो के सभी सदस्य को खुलकर अपने सामने अपने साथ लेने के लिए। तो अब ये फिलहाल जांच का विषय है, देखते हैं क्या होता है। अगर इन दोनों में कोई भी एक पॉसिबिलिटी होती है तो देखते हैं क्या होता है। अब क्योंकि रशिया ने बोला है कि हम इस क्षेत्र में आक्रमण ही नहीं किए हैं, तो उसके उसका एक अलग बयान है, यूक्रेन का बयान है कि ये मिसाइल जो है रशिया ने ही गिराई है, और पोलैंड की तरफ से बयान आया है जो मिसाइल गिरी है वो रशिया में बनी है। तो अब ये जांच का विषय है, देखते हैं क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 3 होता है या नहीं होता है देखते हैं, लेकिन चिंता का विषय है ये, ठीक है। तो ये है मामला, अब इसके आगे जो जांच होगी उसमें पता चलेगा आगे इसके क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही था, जांच आपको जानकारी आपको देनी थी दे दिए हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका देखते हैं आगे क्या होता है, कोई भी अपडेट होता है तो इसके बारे में वीडियो एक जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।